भारत के हमले के डर से घबरा गया है चीन। तिब्बत सीमा पर चीन ने एंटी टैंक माइंस बिछाई हैं। एलएसी के 6 किलोमीटर दायरे में एंटी टैंक माइंस बिछाई गई हैं। सोर्सेस के हवाले से यह खबर आ रही है कि रॉकेट फोर्स और मिसाइल तैनात करने की भी खबर है। भारत ने सीमा पर भीष्म टैंक यूएवीज तैनात कर दिए हैं। उधर माइंस बिछाई जा रही हैं तिब्बत के इलाके में, खास तौर से तिब्बत। आप जानते हैं कि वो जो हमारी स्पेशल फोर्स अभी उसको सरप्राइज करके गई है ब्लैक टॉप के मामले में, उसके बाद वो तिब्बत के इलाके में और कोई चांस नहीं लेना चाहता। मैं आगे आपको ले चलता हूं इस वॉल की तरफ, जहां एक और चीनी दावा सामने आया है। चीन के वो महोदय जिन्होंने J20 डिजाइन किया, अब वो सामने आए हैं। वो असल में वहां एविएशन डिजाइनर के एक्सपर्ट हैं, डिजाइन करने के एक्सपर्ट, और उन्होंने अब जिस फाइटर जेट का डिजाइन सामने रखा है, वो कहते हैं इसके सामने कहीं कोई नहीं लगता, ये होगा 6th जनरेशन फाइटर जेट। आइए देखते हैं कि कौन किस पर भारी है, क्या F-35 से इसकी तुलना की जा रही है। ये कहा जा रहा है उससे भी सुपीरियर होगा। सुमित यहां आ जाए, जरा हम ये समझेंगे कि ये क्या है, क्या वाकई। इधर हिंदुस्तान के बारे में ये कहा जा रहा है कि वो भारत F-35 खरीदने वाला है, मोस्ट एडवांस्ड अमेरिकन फाइटर जेट लॉकहीड मार्टिन जिसको बनाता है। दूसरी तरफ चीन रिवर्स इंजीनियरिंग खोल खोल के पुर्जा समझेगा, उसके बाद बनाएगा, लेकिन बनाएगा वो J-20 से भी आधुनिक। वो ये कह रहा है कि ये 6th जनरेशन होगा, इसको तो वो काउंट भी नहीं करता 6th जनरेशन में। क्या होगा उसमें ऐसा? देखिए, इसमें क्या होगा ये तो चीन ही जानता है, लेकिन ये भी दिनेश आप मान लीजिए कि चीन के आज तक जितने भी हथियार है, ट्राई एंड टेस्टेड कहीं नहीं, सिवाय उनके साईओप्स के अंदर चाहे या फिर उनके जो वीडियो मेकिंग का जो प्रोसेस है वो उसी के अंदर इस्तेमाल होते हैं। लेकिन आपने अगर डिफरेंस पूछा, जब हम F-35 की बात करते हैं तो इसके अंदर कई महत्वपूर्ण चीज़ें, मैपिंग रीडिंग की बात कर लीजिए आप, मैप रीडिंग के अंदर इतना सक्षम है कि ये ना सिर्फ ऑटोमेटिकली मैप रीडिंग करके दूसरे जो इसके साथ फाइटर चल रहे हैं उनको डिस्प्ले कर सकता है, बल्कि ये भी इंपॉर्टेंट है कि इसके अंदर इसको अनमैन करके भी इस्तेमाल किया जा सकता है। ये कई इसके फ्यूचर पर्सपेक्टिव हैं जो लगातार इसमें बहुत खास है, लेकिन चीन की कोशिश है रिवर्स इंजीनियरिंग, खासियत है रिवर्स इंजीनियरिंग की, लेकिन वो कितना सक्षम है ये चीन नहीं जानता। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।